नमस्ते दोस्तों, दुनिया भर में बढ़ रहे रेप के केसेस आए दिन हम सुनते रहते हैं। महिलाओं के साथ हो रहे इस घिनौने अपराध के पीछे कई बार उनके भड़काऊ कपड़ों को वजह बता दिया जाता है। इस धारणा को तोड़ने के लिए बेल्जियम में एक डिफरेंट टाइप की एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया गया। इस एग्जीबिशन में उन कपड़ों को रखा गया जो विक्टिम ने अपने साथ हुए हादसे के वक्त पहन रखे थे। इस एग्जीबिशन को इज इट माई फॉल्ट, यानी क्या यह मेरी गलती है, नाम दिया गया। इन कपड़ों में कई ट्रैक सूट, बॉटम पजामे और लॉन्ग ड्रेसेस शामिल थी जो विक्टिम द्वारा एग्जीबिशन में दी गई थी। इस एग्जीबिशन को देखने गए लोगों ने कहा कि ये बहुत सिंपल से ड्रेसेस हैं जिन्हें कोई भी वेयर करता है। अक्सर विक्टिम पर ही देर रात से घर आने, उनके कपड़ों को लेकर आरोप लगा दिए जाते हैं, जबकि उस क्राइम का रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ वो क्रिमिनल होता है जिसने वो क्राइम किया हुआ है। जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी तब तक ये क्राइम भी नहीं रुकेंगे। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।